वेलकम बैक टू एक्सोटिक बर्ड्स। दोस्तों इसके पहले बहुत पहले आई थिंक 5 या 6 महीने हो गए, आपने एक वीडियो देखी थी माविया की कैट्स की। उस वीडियो में हमने आपको 2 या 3 फीमेल्स और 1 मेल बताया था। आई थिंक 1-2 फीमेल थी कि 1 फीमेल थी, 1 मेल था 3 किटन थे। 3 किटन थे, आई थिंक 5-4 पीस थे। और उस वीडियो में आप सबको ये भी बोला गया था कि माविया इसमें फ्यूचर में आगे कुछ और चीज़ें ऐड करने चाहेंगे। तो फाइनली अभी माविया ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कैट्स यहाँ पर ऐड करी है। तो माविया पहले तो ये बताइए, आपने अपनी पर्सनल ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी कैट रखी है और कौन सी वैरायटी है आपके पास? फैजान भाई, मेरे पास पर्सनल ब्रीडिंग के लिए 6 फीमेल है और 1 मेल है। अभी ब्रीडिंग के लिए 6 फीमेल 1 मेल, तो 6 फीमेल और 6 फीमेल के साथ 1 मेल कंफर्टेबल है कि ज़्यादा मिल रहा है? असल में मेरे को पहले मालूम नहीं था, पहले जब मैंने आपको बोला था 5 फीमेल और 1 मेल का, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 1 मेल अपना अच्छा हो तो 8 फीमेल तक को मैच कर सकता है। 1 फीमेल अच्छा हो तो 8 मेल अच्छा हो तो 8 फीमेल तक को मैच कर सकता है इजीली। ओके, तो मैंने अभी फिलहाल 6 फीमेल और 1 मेल रखा हूँ। इंशाल्लाह अभी थोड़ा और बढ़ाने का है, बाकी और भी आते रहती है कैट्स मेरे पास। ओके, तो मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा कि माविया कैट्स की ट्रेडिंग भी करते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं। तो माविया, आपके पास अभी तक कौन कौन सी वैरायटी आई है और गई है, ये लोगों को थोड़ा बताइए। किस टाइप की जो ब्रीड आपके पास आई है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती? महंगी से महंगी, देखिए फैजान भाई, मेरा ऐसा है कि मार्केट प्राइस से कम ही प्राइस लेता हूँ मैं। ओके, बहुत कम लेता हूँ अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। ओके, और मान के चलो आप, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ट्रिपल कोट में, डॉल फेस में, सेमी पंच फेस में दोनों आई है मेरे पास, ठीक है। और डबल कोट की भी आती है। ओके, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई है ट्रिपल कोट की है, बहुत सारी फीमेल है, मेल फीमेल दोनों ट्रिपल कोट के हैं, कुछ डबल कोट के हैं। ओके, ऐसा जी। तो यहाँ पर एक चीज़, अभी कोई सा भी बंदा हो उसकी अगर आपके वो मीन्स ब्रीडिंग करवा रहा है या ट्रेडिंग करवा रहा है, तो वो पर्सनली भी अपने लिए कुछ रखता है, और इसमें से मैं आप सब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सबसे फेवरेट कैट्स कौन सी है, तो उसके बारे में बताइए आप। देखिए मेरा सबसे फेवरेट जो कैट है वो हमारा ये मेल है। मेल है, नोयान नाम रखे इसका, नोयान नाम है दोस्तों, ये देख सकते हैं मेल है इसका, ब्लू आइज में, डॉल फेस में है ना, ये माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है। और अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी यहाँ पर कौन कौन सी पर्सनल ब्रीडिंग स्टॉक है अभी आपके पास, जो ब्रीडिंग स्टॉक है वो बताइए। तो ये हमारा मेल है, एक तो ये आपका मेल रहा, ये सेमी पंच फेस की फीमेल है हमारी, सेमी पंच फेस, क्योंकि इनने अभी बच्चे दी थी। हाँ, जा चुके इसके बच्चे, सेमी पंच फेस की बिल्ली है। ओके, उसके अलावा फैजान भाई हमारे पास ये हमारे ग्रे कलर की फीमेल है, ग्रे कलर की फीमेल, बहुत अच्छी फर क्वालिटी है फैजान भाई। अभी लगभग जो मेरा खुद के पर्सनल ब्रीडिंग है, उनके बाल कटे हुए। ओके, लगभग सबके कटे हुए बाल है, हाँ, मैंने काट कर रखा था, ये फीमेल है। तो आपने सबके बाल काट के रखे हैं, और उसके अलावा फिर एक फीमेल ये है हमारी, ये कौन से कलर में आएगी? कोट की है ये, ब्लैक एंड ब्राउन में, थोड़ी ब्लैक एंड ब्राउन में, डबल कोट, ट्रिपल कोट की है, ट्रिपल कोट के। और ओके, ये फीमेल प्रेग्नेंट है क्या? हाँ ये प्रेग्नेंट है, ये फीमेल भी प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट है। और ये कब तक बच्चे दे देंगे? ये इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर दे देंगे दोनों जी। हाँ, वो वाली भी और ये भी। ओके, फीमेल हमारी प्रेग्नेंट है जो ऊपर बैठी है, वो डबल कोट की, उसके भी बाल कटे हुए हैं, वो ऊपर बैठी है, उसके भी बाल कटे हुए। ये है दोस्तों, ये ऊपर ही जाके बैठती है क्या? जी ऊपर ही बैठती है। और कौन सी फीमेल है आपके पास? और मेरे पास फीमेल है, एक ये फीमेल है, इसमें भी बच्चे दी थी अभी, ये इसके चार बच्चे, ये डबल कोट की है, इसमें अभी चार बच्चे दी थी, यही है ना, चार बच्चे दी थी, ये भी फीमेल है। ओके दोस्तों, ये है और एक फीमेल ये है हमारी, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में 7 बच्चे दिए माशाल्लाह। दोस्तों ये देख सकते हैं ब्लैक फीमेल है, फीमेल है, इनने 3 वाइट बच्चे दी है और 4 ब्लैक दी है, जिसमें से 3 फीमेल है और 4 मेल है, 3 फीमेल है और 4 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यानी फर्स्ट टाइम में दी है फैजान भाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब बच्चे हेल्दी है, सब आप सबको देख सकते हैं, एक भी कमज़ोर नहीं है बच्चा, नहीं तो अक्सर बच्चे कमज़ोर निकलते हैं, फीमेल 6 किटन दे रही है तो उसमें से अक्सर बच्चे कमज़ोर निकलते हैं। ये देख सकते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको 5 दिन हो चुके हैं सब बच्चों, ये 5 दिन के बच्चे हैं सबके। ओके, ये है दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप बता दीजिए लोगों को कि बच्चों में मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं? बच्चों में तो फैजान भाई देखिए, ये जैसे ये जो है,
एक मिनट, ये मेल है, ये कैसे पता चला ये मेल है? मैं बताता हूँ इस फीमेल को लेकर आपको। देखिए फीमेल के जो रहते हैं, देखिए डबल डॉट रहते हैं, ये देख रहे हैं डबल डॉट। हाँ, फीमेल के डबल डॉट। ओके, मेल का थोड़ा सा ये हिस्सा उठा हुआ रहता है, देखिए। हाँ, दिख रहा है आपको, एक डॉट है और एक हिस्सा उठा हुआ। ओके ओके, अभी रख दो उसको, ज्यादा परेशान मत करो। सर सर, तो ये है, और ये मींस कितने दिन में मींस फीमेल से अलग हो जाएंगे? ये करीबन 2 महीने के अंदर। 2 महीने लगेंगे इनको? 2 महीने के अंदर हम अलग करते, थोड़ा और रहने देते। इसको चोट लगी है क्या? हाँ, इसको असल में इसकी माँ का दाँत ही, यानी हमने रखे तो उसको थोड़ा वो लेके गिर गई थी, तो उसके दाँत लग गया माँ का। माँ का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, माँ का ही दाँत लगा है। और ये फीमेल को आप खाने में क्या देते हो? फीमेल को देखिए मैं बॉइल चिकन भी देता हूँ। ओके, और चिकन देना चाहिए, और फूड भी उनको उसको दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत दूध भी देता हूँ उसको। फूड और बॉयल चिकन। हाँ, चिकन थोड़ा ज़्यादा, यानी ये क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए नॉनवेज की। नॉनवेज जब चिकन दे अपनी, मटन भी दे सकते हैं? हाँ, मटन भी दे सकते हैं बॉयल करके। ओके, जी अपनी जब कैट चिकन दे तो उसका क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए, चिकन की या मटन के जो भी है। ओके, तो उसको हेल्दी रहना चाहिए। हाँ हाँ, लीवर टॉनिक भी दिया करे तो उससे क्या है, वो उसकी भूख भी बढ़ेगी। लीवर टॉनिक अच्छे से डाइट लेते रहेंगी। लीवर टॉनिक 1 लीटर में कितना ml देते हैं? एक नहीं, पानी में नहीं देता हूँ मैं तो, डायरेक्ट पिला देता हूँ उसको। ओके ओके, डायरेक्ट आप पिला देता हूँ, मतलब रोज डेली? हाँ रोज, एक दिन की आड़ से। ओके, और एक यहाँ पर चीज़ है आपके पास, एक ये कैलिको, देखिए बहुत रेयर ब्रीड रहती है वाली। हाँ, मिलती नहीं है। ये कैलिको की फीमेल है, ये अवेलेबल है मेरे पास। हाँ, मतलब अगर किसी को भी चाहिए रहेगी तो वो ले लेगा। उसके अलावा मेरे पास ये क्या, इसका एक बार बता दीजिए ना। ओके, इसको नीचे छोड़िए अभी। ये वाला है। ओके, और ये भी है, ये फीमेल किटन है, बाई कलर में, बाई कलर में, जी बाई कलर, ये डबल कलर है ना इसका। ओके ओके, तो ये सेमी पंच फेस है इसका। हाँ हाँ, ये एक ये मेल किटन है फैजान भाई, मेल, ठीक है, ये डबल कोट का है। हाँ, डबल कोट, ये डॉल फेस में, डॉल फेस में, ये छोटा है बहुत अभी, अभी छोटा है। ओके, और उसके अलावा देखिए आपको बता, यहाँ पर भी है दोस्तों, ये अलग रखी है इनने, टॉर्टोइस कलर में। कौन सा कलर? टॉर्टोइस कलर, टॉर्टोइस कलर, ये फीमेल कैट है ये। ओके, हाँ डबल कोट की है। हाँ, ये उसके अलावा ये मेल है, सेमी पंच फेस देखिए, और आप और बहुत अच्छी क्वालिटी है फेस की, ठीक है, ये ट्रिपल कोट का है। ओके, ये है दोस्तों, ये है। और आपको कुछ एडल्ट भी देने थे, अगर किसी को एडल्ट पसंद रहते हो तो? ये देखिए, ये जो मेल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए रशियन कलर में फुल ट्रिपल कोट का मेल सेट है। हाँ, इसको आगे से अगर दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। ये क्वालिटी देखिए आप, और ये बहुत भोला भी है। हाँ, ये सीधा भी अच्छा काफी। और एक ये है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये ट्रिपल कोट के लिए। और ये बहुत ही भोला है, और ये मेल है, थोड़ा दूर, 11 महीने का फैजान भाई। हाँ, इससे पहले वाले दिखाए वो अभी 6-6 महीने के, ये 11 महीने का, और उसके पहले जो आपने दिखाए थे 6 महीने का। ये क्वालिटी देखिए आप। ओके, ये भी मेल है, ये ब्लैक वाला भी मेल ही है, ब्लैक ही है। हाँ, ये ग्रे रशियन कलर में, और ये देखिए, अगर ये किसी को जोड़ा चाहिए रहेगा। हाँ, तो ये जोड़ा भी मिल सकता है, भी ये सिंगल मेल भी मिल जाएगा, ये सिंगल मेल भी मिल जाएगा, ये रेडी टू ब्रीड पे आ गया ये। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा वक्त लेंगे और। हाँ हाँ, ये थोड़े छोटे हैं दोस्तों, अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मेरे हिसाब से तो आपको ये पेयर लेना चाहिए, क्योंकि ये पेयर बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, और इनका बॉन्ड भी बहुत ही अच्छा है, साथ में रहते हैं। ये फीमेल का बॉन्ड इससे इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये इसका इसके साथ है, तो इनकी बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज़ आपका लोगों को पूछना चाहूँगा, अगर कोई इनकेस फ्यूचर में कैटरिंग चालू करना चाहता है, तो आपने इतनी सारी कैट रखी है तो दिन भर में कितना फूड लगता है इनको? तो आपने क्योंकि हर जगह कटोरियाँ रखी है, पानी रखा है, पानी भी साफ़ है माशाल्लाह, और ये इनके मिल्स फ्रेश होने के लिए जो हम ऑर्डर करते हैं लीटर,
तो कितना, ये इतनी सारी कैट है आपके पास, आई थिंक 10 से 15 कैट होगी जी करीबन। और अभी से 6 महीने पहले देखा जाए तो आपके पास अराउंड 2 कैट थी, और ये 6 महीने के अंदर आपने 10 से 15 कर दी। और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? फ्यूचर का ऐसा है फैजान भाई, रखना मेरे को जो है, देखिए अभी जैसे मैंने इससे पहले बोला था आपको वीडियो में कि मेरे को वाइट ही वाइट रखना है, वाइट ही वाइट रखना है आपको। वाइट मेरे को फीमेल रखना था, ट्रिपल कोट और शो क्वालिटी की, हाँ। मेरे को इजीली मिल नहीं पा रही थी फैजान भाई, ओके। और जहाँ पर मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे थे, ओके। तो फैजान भाई इस वजह से मैंने अदर कलर की फीमेलें भी ले लिया हूँ अभी, फिर इनकी अभी ब्रीड करवाऊँगा मैं, ओके। और मेरे पास ब्रीड करवाने के साथ मैं और बुलवाता भी हूँ किटन वगैरह, मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं। ये प्लानिंग है कि मेरे को बहुत अच्छी यानी शो क्वालिटी में 8 फीमेल है और करीबन 2 मेल रखना है। 8 फीमेल है और 2 मेल, 10 फीमेल या 2 मेल रखूंगा, तो और बाकी फिर आते भी रहेंगे मेरे पास। तो कौन सी फीमेल यही शो क्वालिटी में रखना है? शो क्वालिटी में रखोगे आप, ये कलर में रखना है जी, सब व्हाइट कलर में, क्यों ये ब्लैक ब्राउन जो भी आपने अभी रखा है वो नहीं रखोगे? हाँ मैं, लेकिन आते रहेंगी ये मेरे पास, ओके। लेकिन मैं खुद ब्रीडिंग जो करवाऊंगा व्हाइट कलर में करवाऊंगा, और ब्लू आइस का है मेरा, ओके ब्लू आइस का, ब्लू आइस, ओके। और एक चीज लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि माविया ने पूरी कैटरी बना दी है, ये पूरा बर्ड्स का था, यहाँ से बर्ड्स को शिफ्ट करके इन्होंने दूसरे रूम में उधर रख दिया, और ये वाला ब्लॉक पूरा कैट्स का हो गया है। और ये यहाँ पे आप कितना खर्चा आया आपको ये सब? वैसे तो अभी और भी खर्चा आने का और है अभी, और काम है अभी, काम बाकी है यहाँ पर, ओके। अभी फिलहाल तो करीबन आप मान के चले इसमें आ गया है 10 से 15 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आ गया आपको, और बाकी का खर्चा, तो और खर्चा आपका ये सीजन के बाद करवाएंगे, इधर खिड़कियाँ लगवाना है कांच की, डक कूलर लगवाना है गर्मियों के हिसाब से, ऐसा पूरा बर्ड्स को भी कवर कर लेंगे और कैट्स को भी, क्योंकि कैट्स को ऐसा है फैजान भाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पर कूलर लगाना पड़ेगा, वो डक कूलर लगवाना है पूरा, उसका लाइन देंगे यहाँ से, कैट्स को गर्मी की वजह से प्रॉब्लम भी होती है, यानी उनको इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत तेजी से फैलता है वो, इसलिए गर्मियों में इस वजह से फैजान भाई हर 4 महीने 5 महीने में अपने कैट के बाल पूरे उतार देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रीड करवाता हूँ तो अक्सर ब्रीडिंग के वक्त भी फीमेल को यानी ये प्रॉब्लम आ जाती है इन्फेक्शन की, इसलिए बाल काटते ही रखता हूँ, बाल हटा ही देते हैं, मतलब बाल हटा देता हूँ, ओके। और एक चीज़ आप मुझे ये बता रहे थे कि कुछ लोगों को कैट्स पसंद आई थी, मगर वो मीन्स ट्रस्ट का इशू आ रहा था यहाँ पे, कि क्या प्रॉब्लम थी? वो भरोसा नहीं आने, असल अक्सर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, वो बोलते हैं कि हमारे साथ पहले फ्रॉड हो चुका है, ओके। फ्रॉड तो एक कॉमन चीज़ है, लोग इजीली बेवकूफ़ बना लेते हैं, मगर जब एक बार बंदा बेवकूफ़ बन गया तो वो एक सच्चा बंदा भी रहा तो वो उसके साथ मीन्स इतना हो नहीं पाता है, वो मतलब कोई रियल बंदा भी रहा तो उसको वो भरोसा नहीं कर पाता, ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा नहीं फ्रॉड नहीं हुआ है, जब हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालते थे उस टाइम हमारे पास फ्रॉड हुआ, मगर इनकेस अभी हुआ फ्रॉड तो वो तो अभी हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं आप सबको, भाइयों को, हमारी बहनों को, जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी कोई कैट्स माविया से अगर लेना चाहता है, कुछ आपको पसंद आई होगी या नहीं पसंद आई होगी ये आपकी मर्ज़ी, मगर अगर आपको पसंद आई होगी तो माविया पे भरोसा करें, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको कोई आपका 1 रुपया भी मीन्स वो फ्रॉड नहीं होगा, ये माविया की गारंटी मैं ही लेता हूँ। मैं वीडियो तो वैसे कई सारी लोगों की बनाता हूँ, मगर आज ये चैनल पर मैंने पहली बार बोला है कि मैं इस बंदे की गारंटी ले रहा हूँ, बाकियों को अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, मैं उन्हीं लोगों की वीडियो बनाता हूँ जो लोग मीन्स लोगों को फ्रॉड ना करें। तो माविया से आई थिंक कुछ लोगों से कन्वर्सेशन हुई होगी आपकी कि आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो लोगों से यही टॉपिक पर बात हुई थी काफ़ी लोग, जो भी यानी बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी फैजान भाई कैट, बहुत लोगों को यानी अभी तक के मेरे पास फ़ोन आते हैं डेली करीबन 15 फ़ोन आते हैं मेरे पास, ओके। शुरू में तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको यानी हमारे साथ फ्रॉड हुआ, अक्सर लोगों का कहना ये रहता है, और ऊपर से उनका दूसरी बात ये कहना रहता है कि आप कभी दिखाओगे ये और दूसरी भेज दूंगे ये हमारे साथ हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि आप वीडियो कॉल पर भी देख सकते हो वो चीज़, और यहाँ के मैं यानी कुरियर करूँगा यानी पार्सल भेजूंगा आपका, तो वहाँ की भी वीडियो बना के डालूंगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप कैलिको का बच्चा कहाँ वो उठाइए, ओके। जैसे दोस्तों ये है कैलिको का बच्चा, आपने वीडियो में अभी देख रहे हो वीडियो में, और इन केस आपने ये ले लिया, किसी ने भी एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया, और जब कोई सा भी जानवर, कोई सा भी बर्ड्स, कोई सा भी एनिमल जब ट्रैवलिंग करता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, अभी जिसकी अभी एक मिनट,
अभी जो इसकी क्वालिटी आपको दिख रही है, हो सकता है ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा ये सुस्त लगे, थोड़ा वीक लगे, तो ट्रैवलिंग में इंसान भी थोड़ा सा मीन्स टायर्ड हो जाता है, तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। मैं बताता हूँ कैसा रहता फैजान भाई। ओके। कि जो ये किटन है, खास तौर से किटन, जब इनका यानी अपन जैसा बाहर भेज रहे, महाराष्ट्र ले लो आप, यूपी साइड ले लो, ठीक है, दिल्ली ले लो, तो टेम्परेचर बदल जाता है। उसके हिसाब से फैजान भाई मैं बताऊँ, नॉर्मली प्रॉब्लम जो आती है ज्यादातर किटन को, वो लूज मोशन की आती है और वॉमिटिंग की आती है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए दवा है। और नॉर्मली ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिससे इंसान घबरा जाता है, फिर वेटनरी डॉक्टरों को दिखाता है, तो वो भी अक्सर डॉक्टर नहीं समझ पाते, ठीक है, अक्सर नहीं समझ पाते, तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इंसान बोलता है कि आपने ऐसी चीज दी है, तो इसलिए हमको कॉल करके पूछ ले वो ये प्रॉब्लम आई है। तो ट्रैवलिंग से बर्ड्स रहे या कोई सा भी एनिमल रहे, यहाँ तक कि इंसान भी रहे, तो वो थक जाता है, तो आपके पास जब आएगा तो आपको वो लगेगा कि एक्टिव नहीं है, तो उसका घबराइए नहीं। हाँ, एक हफ्ते में कम से कम वो सेट हो जाता है, लोकल में ही हम कैट देते तो एक हफ्ते तक थोड़ी वो नया जगह रहती है, तो उसके लिए फिर वो धीरे धीरे होती है। और ट्रस्ट की बात यहाँ पर आए तो एग्जॉटिक यूट्यूब चैनल जो है हमारा, माशाल्लाह बहुत ही हमने मेहनत करी है, और अभी हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, इतने भी कम नहीं है और इतने भी ज़्यादा नहीं है, मगर बहुत प्यार कमाया हमने। तो हमारा एग्जॉटिक वर्ड्स यूट्यूब चैनल है जो माविया की हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये माविया मीन्स आप कोई भी टेंशन ना ले, माविया फ्रॉड नहीं करेगा, तो इसकी जो गारंटी है वो एग्जॉटिक बर्ड्स यूट्यूब चैनल लेता है, ये किसी से भी फ्रॉड नहीं करेगा। अगर फ्रॉड इन केस होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको आप हमें वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मगर वो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये हमको माविया पे भरोसा है, तो आप टेंशन ना लें, आप ऐसा ना सोचें कि माविया फ्रॉड करेगा या कुछ भी ऐसा चीज़ें होगी, हम पूरी एग्जॉटिक वर्ड यूट्यूब चैनल उसकी आप पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगा इनकेस अगर कुछ होता है तो, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। जब भी हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप ट्रस्ट करें, बिंदास आप जो भी चीज़ें उनसे लेनी है आप लीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में माविया का नंबर है, वहाँ से ज़रूरी नहीं आपको कुछ ले, तो आप अगर कोई बंदा नहीं भी लेता है तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। और एक और बात सलाम भाई, हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल कॉल कर सकते, कभी भी कर सकते, कोई भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह मुझे जितना मालूम है मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की और बताऊंगा। और कोई सेटअप करना चाहता है किसी भी चीज़ में तो, और ऊपर से जो नए लोग शौकिया लोग रखते हैं कैट्स रखते हैं फैजान भाई, तो अक्सर उनके पास यानी उनको निकालना रहता है अपने किटन, उनके पास रहते नहीं है कस्टमर, उनका कॉन्टेक्ट नहीं रहता, तो मेरे से कर सकते कॉन्टेक्ट, तो मैं वो उनसे भी ले लूंगा ऐसा है। ओके, ठीक है जी, मतलब सेलिंग का, और मतलब आप ट्रेडर हो तो लेना देना चलते रहता है आपका, जैसा उनके कॉन्टेक्ट नहीं रहते अक्सर लोगों के, शौकिया लोगों के, तो उनको समझ में नहीं आती कहाँ देना है किटन, तो वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते, तो यहाँ पर ले भी लेंगे ये दोस्तों, आप सबके लिए भी एक अच्छी एडवांटेज है। तो डिस्क्रिप्शन में माविया का नंबर है, ट्रस्ट करिए उन पे, कोई टेंशन नहीं है, हम आपका साथ देंगे। एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अभी के लिए थैंक यू सो मच।